ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सब कुछ सेम रिजल्ट आया क्या? सर मेरा भी आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और सर मेरा भी आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा आप लोग का तो फैक्टराइजेशन, ए आप लोग का तो फैक्टराइजेशन हो गया ना? हाँ सर उसमें ये है, ये तो है आइडेंटिटी। हाँ आइडेंटिटी यस, नहीं मैंने जो जिस तरह का प्रोसीजर होता है उसी हिसाब से किया है ना आप लोग? हाँ सर उसी हिसाब से किया। वेरी गुड वेरी गुड। तो अल्टीमेट हाँ ये एक आइडेंटिटी है, आप सही बोले हैं। तो अल्टीमेट आपको पता है ना, मतलब सेकेंड जो बाइनोमियल है, सेकेंड जो पॉलिनोमियल है उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, ए इंटू ए माइनस बी प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसके बाद सेम ए इंटू ए मतलब स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर ना। अच्छा ए बी आर बी ए, बी ए बी ए मतलब ए बी हो सकता है ना, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब जीरो है। ओके तो अल्टीमेट आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके ना हम लोग इसी प्रोसेस में करेंगे, ठीक है ना? एक्चुअली ए बी आर बी ए बात सेम है। ओके ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसका रिजल्ट जो होगा सेम थिंग, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इसका भी रिजल्ट सेम होगा, होगा कि नहीं? सेम होगा, ठीक है ना? तो बाइनोमियल बाइनोमियल में आप लोगों को किसी का दिक्कत नहीं है। चलो बाइनोमियल के साथ ट्राइनोमियल हम लोग करेंगे, ठीक है? बाइनोमियल के साथ ट्राइनोमियल हम लोग मल्टीपल करेंगे। ओके फिर बाइनोमियल के साथ बहुत सारा जो भी चाहे आप कर सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं है, ठीक है? इसको हम क्लीन कर देंगे, ठीक है? क्लीन कर देते हैं। चलो और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं हर क्लास में बोलेंगे आपको होमवर्क करना ही पड़ेगा। जब तक आप लोग खुद से नहीं करोगे ना, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। जो स्टूडेंट जल्दी जल्दी आंसर दे रहा है इसका मतलब वो टीचर के साथ चल रहा है, तो इसीलिए जल्दी आंसर दे रहा है। जो जो स्टूडेंट आंसर नहीं दे पा रहा है वो टीचर्स के साथ नहीं चल रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि मैंने आज पढ़ाया, अच्छा आज तो संडे है, आज तो मैथ का क्लास खत्म हो जाएगा, इसके बाद फिर सैटरडे, चलो फ्राइडे में ट्राई करते हैं। तो फ्राइडे में मैथ का होमवर्क करेंगे पूरा दिन, क्या होगा, मैथ आपको समझ में नहीं आएगा। सपोज कर सकते हैं थोड़ा बहुत, बट आपको मैथ में भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा और क्या होगा, मजा नहीं आएगा मैथ में, ठीक है ना? डेली थोड़ा थोड़ा करके करना है। मतलब मैं एक चीज बोलूंगा कि आपको आपको खांसी हुआ है और आप डॉक्टर के पास गए हैं और खांसी का दवाई दिया है, ठीक है ना, एक सिरप दिया है, तो आप बोले कि डॉक्टर बोले कि चलो ये 10 दिन में खत्म करना है, ओके 5 ml डेली 2 बार लेके, तो आप क्या करेंगे, एक दिन में उसको पी लेंगे सिरप को, तो खांसी चला जाएगा क्या? नहीं होगा बच्चा। डेली जो डोज है उसी डोज का हिसाब से लेना पड़ेगा। हम लोग जैसे कि लंच करते हैं, डिनर करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, टिफिन करते हैं, तो एक ऑर्डर हम लोग मेंटेन करते हैं। तो एक दिन हम लोग फास्टिंग किया है कि 2 दिन फास्टिंग किया है और 2 दिन का खाना एक दिन हम लोग खा लेंगे, तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं होगा। तो ये सेम है, ठीक है ना बच्चा? हम लोग ऐसे करेंगे और आपका जो डाउट होगा, मैंने आपको फोन नंबर दिया है, आप डाउट पूछिए क्लास में, आप डाउट पूछिए, ठीक है ना? बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है? चलो मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑफ ए बाइनोमियल मियल बाय ट्राइनोमियल मियल। ओके सेम प्रोसेस, आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसा होता है उसी हिसाब से होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है आपको पता है, मन ऐसे प्रॉब्लम करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ,
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम को हम लोग इस तरह का डील करेंगे कि मान लीजिए a प्लस बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ओके, ऑब्वियसली हम लोग इसी प्रॉब्लम को, डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉब्लम को कैसे डील करेंगे, जो बोला था ये टर्म है टोटल ए जो है इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो सेम थिंग ए इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या होगा, ऑब्वियसली आप मोनोमियल के साथ, ट्राइनोमियल मोनोमियल के साथ, ये तो आपको हो चुका है, फिर से होगा क्या, ए के साथ एक्स, ए के साथ एक्स, ए के साथ वाई, ए के साथ जेड, बी के साथ एक्स साथ वाई। बस मैंने थोड़ा सा कोशिश किया है आप लोगों को बस ड्राइंग करने के लिए जो किसके साथ क्या मल्टीप्लाई होना चाहिए, उसी तरह आप स्टार्टिंग में कॉपी करो, हर प्रॉब्लम में ऐसे देने का जरूरत नहीं है। मैंने तो बोला है कि ऐसे करेंगे तो क्या होगा, आपको समझने में इजी होगा और आप कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो a इंटू एक्स मतलब क्या लिखेंगे, एक्स, a इंटू वाई क्या लिखेंगे, ए वाई, प्लस a इंटू जेड क्या होगा, ए जेड, प्लस b इंटू एक्स प्लस b इंटू वाई प्लस b इंटू जेड। बोले बच्चों क्लियर है? हाँ यस सर, सबको क्लियर है ना, सबको क्लियर है, वेरी गुड। यस सर, यस सर, क्लियर, वेरी गुड बच्चा। चलो अभी हम लोगों को बस इसी स्टाइल एक बार कॉपी करो, देख लो, हम बस देखो, और हम नहीं बोलेंगे कि सर ट्राइनोमियल के साथ ट्राइनोमियल क्या होगा, सेम प्रोसेस होगा ना, ट्राइनोमियल के साथ ट्राइनोमियल करेंगे तो सेम प्रोसेस होगा, जैसे भी हो हम लोग इसी ऑर्डर में। देखो पहले मोनोमियल के साथ बाइनोमियल, मोनोमियल के साथ मोनोमियल मल्टीपल क्या है, मोनोमियल के साथ बाइनोमियल मल्टीपल क्या है, मोनोमियल के साथ ट्राइनोमियल मल्टीपल क्या है, फिर पॉलिनोमियल का मल्टीपल क्या है, फिर बाइनोमियल के साथ बाइनोमियल, बाइनोमियल के साथ ट्राइनोमियल, तो जो भी है इस तरह का, बाइनोमियल के साथ पॉलिनोमियल, फिर पॉलिनोमियल इंटू पॉलिनोमियल, कुछ भी करेंगे हम लोग एक एक करके इसी स्टाइल में, इसी प्रोसीड्यूर में हम लोग करेंगे। इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि ये थोड़ा सा वर्किंग रूल थोड़ा सा लिखने के लिए। ओके, आपको प्रॉब्लम करो इस तरह का प्रॉब्लम, इसके बाद हम लोग डिविजन जाएंगे और कुछ प्रॉब्लम करेंगे, इसके बाद डिविजन जाएंगे। ओके, डिविजन और सिंप्लीफिकेशन। तो क्या होगा, क्या होगा, ओके एक प्रॉब्लम देते हैं। चलो a प्लस बी इंटू स्क्वायर, क्वेश्चन देते हैं स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये प्रॉब्लम बनाओ तो आप लोग खुद से क्या होता है, देखो a प्लस बी इंटू स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, पहला क्वेश्चन बनाओ। और सेकंड क्या होगा, a माइनस बी इंटू स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बनाओ तो दोनों, पहले दोनों बनाओ, इसके बाद हम लोग धीरे 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 आएंगे, धीरे 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 आएंगे आप लोग। अच्छा हम लोग एलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद क्या पढ़ाएंगे बोलो तो, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद क्या पढ़ाएंगे सर, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ना। अच्छा सुनो ना, लीनियर इक्वेशन आपका पास क्या, कौन ऑथर का बुक है सर, आर एस अग्रवाल, आर एस अग्रवाल, वेरी गुड। अच्छा सुनो बच्चा, सर हम लोग का अलग बुक है, क्या बुक है सर, स्कूल का टेक्स्ट बुक है, स्कूल का क्या बुक, टेक्स्ट बुक, क्या नाम क्या है, डीएवी का, यस सर डीएवी का अलग बुक है। अच्छा सुनो ना बच्चा, मैंने फोन नंबर दिया है, अच्छा पहले तो एक काम करना पड़ेगा, आप लोग क्या क्या सिलेबस हो गया है माय स्कूल में, हम लोग का इंस्टीट्यूट में, वो मुझे भेज सकते हो क्या, भेजेंगे ना आज, आज भेजेंगे ना, याद है क्या क्या होगा, हो गया एक्चुअली,
यस सर भेज देंगे। अच्छा भेज देंगे, भेजने से पहले आपका नाम लिखना है और क्या लिखना है? आपका नाम लिखना है, 8 सीबीएसई लिखना है और आसनसोल लिखना है, इसके बाद आप भेज दीजिए, मुझे समझ जाएंगे। और एक भेजना है, आपका जो न्यू स्कूल का जो है उसका लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल पूरा पीडीएफ मिल सकता है क्या? मतलब पूरा चैप्टर, मतलब चैप्टर फर्स्ट टू लास्ट तक प्रॉब्लम सर, डीएवी बुक का, डीएवी बुक का लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल। ओके सर। अच्छा आर एस अग्रवाल का कौन मुझे भेजेगा सेम चैप्टर? सर हम मेरे पास है, भेज देंगे। अच्छा ठीक है, वेरी गुड, तो आप लोग भेज दीजिए, ठीक है ना, हम भी देख लेंगे और भी मैं डिफरेंट जगह से भी हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। आप ऐसे देते रहिए। हाँ बच्चा सर दोनों हो गया, दोनों हो गया। अच्छा दोनों हो गया, बोलो तो फास्ट वाला क्या होगा सर? ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। सर ए क्यूब माइनस सर सिंप्लीफाई हो जाएगा कट के। यस काट के सिंप्लीफाई हो जाएगा ना, ये ए बी एक फॉर्मूला है, हम लोग क्लास 9 में जाके सीखेंगे, ठीक है, एक क्लास 9 में जाके सीखेंगे, उस 9 में हम लोग को प्रॉब्लम याद रखना पड़ेगा, मतलब इसका जो है वो एक्चुअली ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक बोला। आर ए क्यू प्लस बी क्यू, आर ए क्या है सर? ए क्यूब माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, दिस इज ऑल्सो ए फॉर्मूला, ओके आइडेंटिटी इज एक्चुअली, वो एक्चुअली हम लोग बाद में क्लास 9 में याद रखना है, ठीक है ना। मैंने तो ऐसे ही बोला कि बाइनोमियल के साथ ट्राइनोमियल कैसे करना है, ठीक है, चलो इसको हम क्लीन कर देते हैं, ये प्रॉब्लम को हम करते हैं, ठीक है, चलो सर। हाँ बोलो बच्चे। सर आप अपना फोन नंबर एक बार फिर से दे सकते हैं? हाँ ऐसे है, आप डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है, डाउट है तो पूछ लेना, फोन भी कर सकते हैं। अच्छा फोन हम काट दिया है, इसका मतलब आपको सोचना पड़ेगा कि मैं दूसरा क्लास में हूँ, जैसे कि आप, मैं आपको क्लास ले रहा हूँ और अभी कोई क्लास लेगा तो अभी बंद हो जाएगा ना, उस टाइम मैं तुरंत बंद कर देंगे, ठीक है। तो एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन से कोई फोन करते तो मैं उठाता हूँ, बाकी हम लोग बाद में भी कॉल करेंगे, मैसेज सेव कर सकते हैं, ठीक है, हम बता देंगे, ठीक है, डाउट आप पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं है बच्चा। हाँ बोलो। अभी जो ये a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर जो आप इसका सॉल्व किए माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, हाँ हाँ सर, तो वो उसका आंसर ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। आपका आवाज ठीक तरह से नहीं आ रहा है ना, कट कट क्या आ रहा है बच्चा? आया उस, अच्छा आपका आवाज कट कट क्या आ रहा है ना, हेलो आपका, हेलो सर, हाँ बोलो बच्चों, आपका आवाज कट कट क्या आ रहा है ना, हेलो सर, सर आपका आवाज मुझे सही से आ रहा है? आपका आवाज कट कट के आ रहा है, काट के आएगा तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आप फिर से आप रिजॉइन करेंगे तो आपका वो प्रॉब्लम हटा जाएगा, अदरवाइज आपको एक काम करना पड़ेगा, आपका मोबाइल में फ्लाइट मोड करो, फ्लाइट मोड करके फिर ऑन करो, देखो ठीक ठाक हो जाएगा, ठीक है, फ्लाइट मोड करो फिर ठीक ठाक हो जाएगा, ठीक है ना। चलो हम लोग ये प्रॉब्लम करते हैं, फिर दोबारा आ जाइए, फिर मैं बोलते हैं। अच्छा आप देखो a प्लस बी इंटू दिस, तो ये क्या है तो सेम, बहुत ही इजी है, तो जिस प्रोसीड्योर में हम लोग करेंगे उसी में जाएंगे, पहले इस तरह करेंगे और इक्वल टू देंगे। अच्छा आपको इक्वल टू और इम्प्लाइज में फर्क होना चाहिए, बहुत सारा लोग मैं देखता हूँ इक्वल के जगह इम्प्लाइज दे देते हैं, नहीं गलत है बच्चा, ठीक है ना, हम लोग इम्प्लाइज और यूज करेंगे केवल इक्वेशन में, और कहीं पे भी हम लोग यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे इक्वल टू, क्लियर ना बच्चा, हम लोग यूज करेंगे इक्वल टू बिकॉज ए पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, तो ऑलवेज हम लोग इक्वल टू करेंगे। तो सेम थिंग a इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो क्या होगा देखो, तो a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा ए क्यूब माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो माइनस साइन देंगे, a इंटू ए बी क्या हो जाएगा स्क्वायर बी,
अच्छा फिर प्लस और प्लस हो जाएगा प्लस, ओके ना, ए इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा ए इंटू बी स्क्वायर, ओके ना। अच्छा आप लोगों को मैंने शुरू शुरू में कुछ स्टूडेंट को शायद बोला था कि प्लस इंटू माइनस क्यू प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस क्यू प्लस होता है, मैंने बोला था ना शुरू शुरू में, याद है ना, नहीं बोला था आप लोगों को, आपको पता है माइनस इंटू माइनस क्यू प्लस होगा? नहीं सर, सर इतना पता है कि होगा लेकिन क्यों होता है नहीं पता। अच्छा ठीक है, एक दिन हम बना देंगे, ठीक है एक दिन बना देंगे, ठीक है आप लोग बस करते रहो, मैं छोटा छोटा चीज, आप कुछ भी चीज क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना, बहुत सिली क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। आप लोग बोलेंगे कि सर टू प्लस थ्री का वैल्यू क्या है, मैं बता देंगे, बट आप लोग को आंसर देना पड़ेगा हमेशा, ठीक है ना, और कुछ भी डाउट है पूछ लीजिए, ऐसे नहीं कि सर, ऐसे नहीं कि ऐसे डाउट आप पूछे हैं, मान लीजिए मुझे उस टाइम पता नहीं है, हम थोड़ा सा सोचेंगे इसके बाद बताएंगे, ठीक है ना, तो डाउट ऐसे होना चाहिए, और मुझे तभी अच्छा लगता है जब स्टूडेंट का क्वेश्चन को मतलब दो दिन के बाद हम आंसर देंगे, तब अच्छा लगता है कि हाँ क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ठीक है, तब मजा लगता है। चलो हम लोग एक एक करके प्रॉब्लम करते हैं, फिर a इंटू बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, अच्छा फिर ये आ गया b इंटू ए स्क्वायर क्या होगा, b इंटू ए स्क्वायर, तो एक काम कर सकते हैं हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं ना ए स्क्वायर इंटू बी, ठीक है ना, b इंटू ए स्क्वायर मतलब स्क्वायर इंटू बी, माइनस प्लस इंटू माइनस मतलब माइनस, b इंटू ए बी मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू। अच्छा आप देखो तो कुछ कैंसिलेशन हो रहा है कि नहीं, माइनस स्क्वायर बी और यहाँ पे प्लस स्क्वायर बी कैंसिल मतलब जीरो हो जाएगा, फिर ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर जीरो, तो आंसर आ गया ए क्यू प्लस बी क्यू। क्लियर हो गया है कि नहीं, एक्चुअली ये दोनों का वैल्यू जीरो क्यों है, ये दोनों टर्म लाइक टर्म है ना, ये दोनों टर्म लाइक टर्म, यस एंड नो, फिर ये दोनों टर्म लाइक टर्म है कि नहीं, जब हम लोग एल्जेब्रा में, जब हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग एडिशन करते हैं सब्ट्रैक्शन करते हैं, ये दो केसेस में हम लोग क्या किया है, जब लाइक टर्म होता है लाइक टर्म के साथ जोड़ते हैं, किसका प्रोसीजर होता है, इसका जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होता है ये दोनों ऐड हो जाता है, ठीक है ना, ये आपको पता है शुरू में आपको बोला गया है, वेरी गुड, क्लियर है। चलो इस प्रॉब्लम को कैसे डील करेंगे, हर छोटा छोटा चीज आप क्लियर करना पड़ेगा, सेम थिंग a इंटू एक फॉर्मूला है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए एक क्लास नाइन में हम लोग इस फॉर्मूला का, इस आइडेंटिटी का बेसिस से हम लोग मैप करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है, दिस ऑल्सो सेम थिंग, a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सेम इसी तरह का करेंगे, a इंटू ए स्क्वायर मतलब हो जाएगा ए क्यू प्लस ए इंटू ए बी हो जाएगा ए बी स्क्वायर बी प्लस ए इंटू बी स्क्वायर, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस स्क्वायर बी माइनस इंटू प्लस माइनस ए बी स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस बी क्यूब, तो अल्टीमेट ए स्क्वायर बी प्लस माइनस कैंसिल, तो अल्टीमेट आंसर है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्लियर है ना बच्चा, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है ना, ठीक है सब लोग को समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड वेरी गुड, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अच्छा आप लोग का ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया ना, हाँ सर, यस सर, अच्छा ए प्लस बी होल स्क्वायर ना ज्योमेट्रिकली हम लोग प्रूव कर सकते हैं, पता है मजेदार बात है, ज्योमेट्रिकली प्रूव कर सकते कि नहीं, मतलब उसका एक ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन है, पता है आपको ज्योमेट्रिकली प्रूफ, पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर साइड, यस सर,
सर ए प्लस बी को साइड्स मान के कर सकते हैं। हाँ ठीक 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 ठीक, जिसको नहीं होगा मैं बता देंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो कॉपी करो, हम एक एक करके प्रॉब्लम देते हैं, आप लोग खुद करो, जल्दी जल्दी आपको प्रॉब्लम करना है। ये कॉपी हो गया ना, इसको हम क्लीन कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, इसके बाद है नंबर थ्री। मैंने क्वेश्चन दे रहा हूं इस तरह का कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव इंटू टू एक्स प्लस वन। नंबर फोर, नंबर फोर देंगे इस तरह का एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस फोर इंटू फोर एक्स प्लस वन। ठीक है, ठीक है। अच्छा और कुछ, और कुछ, और कुछ, ठीक है ठीक है। चलो ये प्रॉब्लम करो बस, इसके बाद हम लोग और कुछ प्रॉब्लम करेंगे। ये दो प्रॉब्लम जल्दी जल्दी करो तो बच्चे लोग, जल्दी जल्दी बनाओ। ये प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम जल्दी जल्दी बनाओ। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव इंटू टू एक्स प्लस वन। ठीक है बनाइए जल्दी जल्दी। आप सेम प्रोसीड्योर है, चार पांच प्रॉब्लम करेंगे तो मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, उसी प्रॉब्लम को बार बार प्रैक्टिस करो, आप देखो खुद ही समझ जाएंगे। आप खुद से भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, अपना मर्जी से प्रॉब्लम खुद क्रिएट कर सकते हैं बच्चा। ठीक है ना, मैं आपको बोल देंगे कि प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करना है, आप जो मन चाहे लिख सकते हो, कोई भी तीन टर्म लिखो। ठीक है, प्रॉब्लम आप लोग खुद से क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं बच्चे लोग? यस कर सकते हैं ना, बहुत इजी है। आप अपना मन से एक प्रॉब्लम, अच्छा अपना मन से बोलो तो मैं आप लोग खुद ही प्रॉब्लम बनाओ। एक एक प्रॉब्लम बोलो, कोई भी एक प्रॉब्लम बोलो, अपना मन से बोलो, बोलो सर एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब। एक्स स्क्वायर इंटू करेंगे ना, प्लस करेंगे, प्लस कर दीजिए सर, सॉरी सर, प्लस प्लस वाई क्यूब इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वेरी गुड, वेरी गुड। यस फोर सेकंड, यही तो आप लोग तो प्रॉब्लम सीख गया है कैसे बनाना है। तो प्रॉब्लम बनाना मुश्किल है, जिसको सॉल्यूशन आता है ठीक तरह से वही केवल प्रॉब्लम बना सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक है ना, प्रॉब्लम बनाना मुश्किल है बच्चा, प्रॉब्लम बहुत एक्सपीरियंस के बाद प्रॉब्लम बना सकते हैं। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन समझ गया तो प्रॉब्लम खुद से बनेगा, वेरी गुड। अच्छा आप लोग एक एक करके बनाइए, एक एक करके सॉल्यूशन बनाओ बच्चे लोग, जल्दी जल्दी। इसके बाद हम लोग और भी कुछ करेंगे, और दो चार प्रॉब्लम करेंगे, इसके बाद डिवीजन जाएंगे, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन। दोनों हो गया सर, दोनों हो गया। अच्छा प्लीज आया था, वो कहाँ गया सर? तीनों हो गया, तीनों हो गया ना। एक बच्चा आया था प्लीज, वो तो नहीं आया है,
पहला वर्ष टाइम में आया था, फिर नहीं आया है। चलो हम लोग एक का एक क्वेश्चन है। तीनों फिनिश हो गया सर। तीनों का फिनिश हो गया ना, वेरी गुड। तो तीनों को पहले क्या करना पड़ेगा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा, यस एंड नो। तो अल्टीमेट ये प्रॉब्लम करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, पहले के क्वेश्चन को कॉपी करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव इंटू टू एक्स प्लस वन इक्वल टू टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव। तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थोड़ा सा ये लिखने से अच्छा होता है, ठीक है ना। कॉम्यूटेटिव के कारण थोड़ा सा हम लोग, क्योंकि बाइनोमियल के साथ ट्राइनोमियल क्या है, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग कर दिया कि बाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस साइड दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, बाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो सेम थिंग, टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव प्लस वन इंटू, मतलब कुछ नहीं, मतलब वन वन माइनस टू एक्स प्लस फाइव। तो आंसर क्या होगा, टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, टू इंटू एक्स स्क्वायर, टू एक्स इंटू मतलब माइनस होगा टू एक्स, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा टू एक्स इंटू टू एक्स, टू इंटू टू फोर, एक्स इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर, सेम थिंग प्लस फाइव इंटू टेन मतलब टेन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव। तो अभी सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें देखेंगे लाइक टर्म कहाँ कहाँ पे है। अच्छा एक्स क्यूब कहीं पे है, नहीं है, तो लिखो टू एक्स क्यूब। अच्छा एक्स स्क्वायर है, यस, यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो दोनों लाइक टर्म है, तो इसीलिए हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी कर सकते हैं। तो माइनस और प्लस, तो अल्टीमेट क्या हो जाएगा, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। आपको पता है दोनों क्वांटिटी को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तब हम लोग बड़ा से छोटा से हम लोग माइनस कर देते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं जिसका न्यूमेरिकल मतलब एब्सोल्यूट न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा है उसका जो साइन होता है वो साइन लेके चलते हैं, क्योंकि फोर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे फोर जो है सबसे बड़ा है एब्सोल्यूट वैल्यू, तो इसीलिए उसका साइन माइनस हम लोग लिया है, आपको पता है। नेक्स्ट क्या है, टेन एक्स और माइनस टू एक्स, तो क्या होगा प्लस एट एक्स प्लस फाइव। ये आंसर आ गया था ना, ये आंसर आ गया था सब लोगों को। क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन बोलो सर, अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज ना करें तो भी आंसर आएगा, मतलब लिखने के लिए, मतलब आप एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस टू एक्स इंटू दिस फाइव इंटू दिस, इसी हिसाब से बनाया क्या? नो सर, मैंने बनाया कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव इंटू टू एक्स ऐसे। अच्छा दिस इंटू दिस, यस सर, दिस इंटू दिस, होगा होगा एक्चुअली ये 100% होगा बच्चा। एक्चुअली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये भी होता है, ठीक है ना, इस तरह का भी प्रॉब्लम होता है। आप जो बोले हैं मैं बोल रहा हूं कि ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि a प्लस बी इंटू सी प्लस ए प्लस बी इंटू डी, ठीक है ना, ऐसे बनाया ना, ऐसे भी होगा कोई बात नहीं है, ऐसे भी होगा कोई बात नहीं है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम बच्चा, ओके सर, 100% होगा, इसमें से कोई बात नहीं है, ये भी हो सकता है। हम लोग जनरली क्या करेंगे, ये थोड़ा सा देखने में उल्टा उल्टा लगता है, होगा ये 100% होगा, ठीक है, ऐसे कोई बात नहीं है, ऑब्वियसली होगा, ये सही है, आपका प्रोसीड्यूर सही है, ठीक है। तब आप लोग कम्युनिटी प्रॉपर्टी लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, इसी स्टाइल में भी आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा ये कंप्लीट हो गया, फिर नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग ऐसे सिंप्लीफाई में जाएंगे, ओके। चलो इसको हम क्लीन कर देते हैं।
नेक्स्ट क्या है, सेम थिंग, नंबर फोर सेम। अच्छा नंबर फोर का आंसर आ गया, अच्छा आप तो आ गया बोला था, तो 4x+1। अच्छा आप बोले थे, ठीक है मैं एक टाइप का कर रहा हूँ, आप वो भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ठीक है ना। 4x+1 3x+4 क्या करेंगे, बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो अल्टीमेट क्या हो जाएगा, 4x(x³ - 3x+4)+1(x³ - 3x+4)। कैलकुलेशन क्या आ जाएगा, 4x³ मतलब 4x³ और 4, 4x³ मतलब क्या हो जाएगा -12x², 4x³ मतलब क्या हो जाएगा 16x+x³ - 6+4। तो अल्टीमेट हम देखना पड़ेगा क्या कि लाइक, तो पहले 4x³ और 4 लिखो, इसके बाद क्यूब है क्या, क्यूब यस +x³ है। चलो नेक्स्ट क्या लिखेंगे, x² तो यहाँ पे है, अच्छा -12x², फिर क्या होगा 16x+3x, ये क्या हो जाएगा +13x+4। यही आंसर आया था क्या 4 नंबर में, अच्छा हाँ चलो हेलो सर, हाँ अच्छा फिर ये क्या आ गया, एक इसको हटाना है, कोई बात करेगा तो ये आ जाएगा, तो डबल टैप करके पिन कर लीजिए। ओके हो गया, आ गया आ गया, डबल टैप करना है क्या, यही आंसर आया है, हाँ कभी कभी होता है। अच्छा ठीक है, अच्छा देखो बच्चे लोग अभी क्लियर है, इसका आंसर मिल गया 4 नंबर का आंसर, यस सर यस सर। अच्छा 5 नंबर, तो 5 नंबर का भी आंसर मिल जाएगा, हाँ सबको पता है ना, हो रहा है ना, सब लोग का हो रहा है ना, अभी हम लोग पॉलीनोमियल का सब पॉलीनोमियल करेंगे, ठीक है ना, अभी बस सिंपलीफाई करेंगे, ठीक है, ये प्रॉब्लम हो गया है। चलो ये क्या है, चलो सेम थिंग, x² क्या करेंगे, x² (x² + b² + c² + y³(a² + b² + c² + d²). तो कैलकुलेशन क्या होगा, x² (x² + x² + b² + c² + y³(a² + y³(b² + y³(c²). देखो बात ये है, मेरा लिखने का स्टाइल आप देख लीजिए, जब एक लाइन में जगह नहीं होता है, जब आप लाइन को ब्रेक करना चाहेंगे, तब आपको साइन इसी हिसाब से देना पड़ेगा, ऐसे करके इसी हिसाब से देना पड़ेगा। कभी कभी बहुत लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे प्लस देते हैं, इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वो गलत है। तो यहाँ तक लिख के फिर ब्रेक करना है साइन के साथ, साइन के साथ ब्रेक करना है। क्लियर बच्चा, चलो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। ओके तो अभी हम लोग थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम देंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम देंगे, आप लोग बनाओ तो इस तरह प्रॉब्लम को कैसे करते हैं, ठीक है, ठीक है, कॉपी हो गया ना सब लोगों का, यस सर, ओके चलो
अभी हम सिंप्लीफाई दे रहे हैं, तो देखो बहुत इजी है मल्टीप्लीकेशन। मेरे ख्याल से मल्टीप्लीकेशन का जो होमवर्क है वो आप लोग खुद ही बना सकते हो। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा अच्छा अच्छा प्रॉब्लम कराने के लिए, बस और कुछ नहीं है। अच्छा ट्राइनोमियल के साथ ट्राइनोमियल नहीं कराएंगे? मैंने तो बहुत सारा करता हूँ कराता हूँ, देखो ना सिंप्लीफाई आप देखो क्या देता हूँ। ये क्वेश्चन करेंगे तो आपका मल्टीप्लीकेशन में टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा चलो एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स इंटू वन माइनस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर। हाँ देखने में बड़ा लग रहा है, आप लोगों को कुछ करना है क्या, समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ भी लीजिए कुछ भी लीजिए, ऐसे आपको करना पड़ेगा। टू एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स माइनस फाइव इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस सेवन। दो प्रॉब्लम बनाओ तो बच्चा, सेम प्रोसेस प्रॉब्लम, ये दोनों प्रॉब्लम हो जाएगा तो बस मल्टीप्लीकेशन कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। क्या प्रॉब्लम हो सकता है क्या? यस हाँ 100% होना चाहिए। मनाओ तो पॉलिनोमियल के साथ पॉलिनोमियल हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। चलो और एक प्रॉब्लम देते हैं, चलो बस अच्छा अच्छा प्रॉब्लम देते हैं। इस तरह का प्रॉब्लम x प्लस वन इंटू टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री। चलो है तीन बाइनोमियल का प्रोडक्ट है बनाओ। ऐसे कोई है जिसको अभी तक समझ में नहीं आया? बच्चा लोग शर्माने का नहीं है, आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। जो जो स्टूडेंट नहीं आया है आगे चला गया, बस प्रॉब्लम रहेगा वो लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स इंटू वन माइनस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर। फर्स्ट प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ है बच्चा? यस सर कंप्लीट है। अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन का किसका किसका अभी तक कंप्लीट नहीं हुए? सर मेरा अभी नहीं हुआ है तो सबमिट करिए। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं बच्चों बनाओ। सत्तम हो गया? सत्तम शिवम यस यस सर कर रहे सर।
हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ना बच्चा? यस सर। मजा लग रहा है कि नहीं? यस सर। वेरी गुड, मजे से करना है, ठीक है, फुल्ली, ऐसे नहीं कि बस मैथ करना है ना, मजे से ही करेंगे। आज आप लोग क्लास के बाद क्या क्या हो गया है वो मुझे सिलेबस देना है, मतलब क्या क्या कंप्लीट हुआ है, ठीक है ना, और जो बोला है वो बनाए दे दीजिए। और क्या बोला था, और क्या बोला था, हाँ अच्छा, आपका यूनिट टेस्ट में क्या आने वाला है? लीनियर इक्वेशन तो वन वेरिएबल पढ़ाएंगे, आप लोग बोल रहे थे ना कल, लीनियर इक्वेशन आने वाला है, लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल ना, ठीक है ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कॉम्प्लीट है बच्चा? यस सर। हाँ बोलो बच्चों। यस सर। किसका किसका आए हैं? आपका आंसर क्या आया है? सर मेरा आंसर 10x³ प्लस 13x² माइनस 11x माइनस 11x टू द पावर 4 प्लस 6 माइनस 11x टू प्लस 6। अच्छा आपका ये आ गया कि 10x³ प्लस 13x² माइनस 11x माइनस 11x टू द पावर 4 प्लस 6। हाँ यस सर। सर आपका स्क्रीन चल गया। अच्छा सर, हाँ ठीक है। तो देखो सब लोग बनाए कैसे करेंगे, नंबर वन को हम ऐसे करते हैं, ठीक है ना बच्चा? तो आप जिस स्टाइल में कर सकते हैं आपका मर्जी है, ठीक है, तो ऐसे करना है। एक काम करो, 1 - 2x प्लस 3x² ना, बात सही है, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, ऐसे कर सकते हैं कि x³ इंटू 1 - 2x प्लस 3x² माइनस 3x² इंटू 1 - 2x प्लस 3x². अच्छा प्लस एक्स इंटू 1 - 2x प्लस 3x². अच्छा प्लस 3 - 2x प्लस 3x². फिर क्या होगा, एक्स इंटू 1 मतलब प्लस क्या हो जाए, तो 2 इंटू एक्स टू दी पावर 4 प्लस क्या होगा, x³ इंटू 3x² का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3/5 माइनस, देखो माइनस और 1 माइनस माइनस होगा, माइनस 3x² फिर क्या होगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करने में 6 आएगा, फिर x इंटू x मतलब x³, ठीक है, फिर माइनस प्लस माइनस 3 × 3 9x⁴। अच्छा ये यहाँ तक x इंटू 1 मतलब प्लस 1, x इंटू माइनस 2x² x² मतलब प्लस 3x³, यहाँ तक कंप्लीट। फिर दिस वन प्लस 6 माइनस इंटू 2 12x प्लस 18x², ठीक है ठीक है। तो अभी क्या करेंगे आप, देखो कैलकुलेशन हम लोग बनाएंगे। अच्छा सबसे बड़ा डिग्री क्या है, 5 है, तो पहले लिखो तो 3 × x⁵ मैंने लिखा है, इसके बाद क्या है, 4 क्या क्या है देखो,
यहाँ पे देखो क्या क्या लाइक टर्म है, देखो एक्स टू दी पावर फाइव आर कहीं पे भी नहीं है, तो हम लोग क्या काम कर सकते हैं, तो ये क्या है माइनस टू एक्स एक्स टू दी पावर फोर, और कहीं पे फोर है क्या, यस ये है, और कहीं पे भी है नहीं है, माइनस टू एक्स टू दी पावर फोर आर माइनस नाइन एक्स टू दी पावर फोर, मतलब क्या होता है माइनस इलेवन एक्स टू दी पावर फोर। चलो नेक्स्ट क्या आएगा एक्स क्यूब, हटा दिया हम लोग, देखेंगे ए एक्स क्यूब दिस वन, फिर यहाँ पे एक्स क्यूब है, देखेंगे एक्स क्यूब प्लस क्यूब प्लस सिक्स, सिक्स प्लस वन सेवन एक्स क्यूब, सेवन प्लस और कुछ है लिखेंगे प्लस टेन एक्स क्यूब टू कंप्लीट। चलो इसके बाद एक्स स्क्वायर देखो, तो अच्छा यहाँ पे थ्री एक्स स्क्वायर है, थ्री एक्स स्क्वायर है और कुछ माइनस माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर और एटीन एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस मतलब माइनस फाइव, तो एटीन से माइनस फाइव करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस एटीन माइनस फाइव क्या होगा थर्टीन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कंप्लीट। फिर एक्स देखो कहाँ पे है और कहीं पे भी है, यहाँ पे एक्स है, तो एक्स एक्स क्या होगा एक्स आर माइनस ट्वेल्व एक्स माइनस इलेवन एक्स प्लस सिक्स, यही आएगा ना। देखो तो बच्चा कैलकुलेशन आप लोग कहाँ पे क्या है गलत, गलत आप लोग कहाँ पे क्या है थोड़ा सा चेक करो तो बच्चा, देखो कहाँ पे आपका गलत हुआ है। सर मेरा सही आंसर आया। सर मेरा भी यही आंसर आया, यही आंसर आ गया, जो ये आंसर दिया था सुश्री। आप बोलो बच्चों कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है, आप एक बार देख लीजिए, ठीक है ना, छोटा 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 मिस्टेक होता है, ठीक है ना, यही तो बात है। जब तक आप लोग नहीं करोगे इन हैंड तब तक आपको समझ में नहीं आएगा पर्टिकुलर कौन कौन प्लेस में क्या क्या गलत आ रहा है। हाँ सुश्री सर, सर मेरा सारा नंबर आया तो है, लेकिन आपने जो नंबर जैसे सीरियली वाइज आपका जैसे आया वैसा नहीं आया, मेरा टेन एक्स क्यूब थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है नंबर सर। आप जो मन चाहे लिखो ना, कोई बात नहीं, सेम है ना, थ्री एक्स क्यूब और फाइव स्टार है कि नहीं है ना। हाँ सर सब है, हाँ सर है, बस तो ठीक ठाक ही है था, शायद मैंने नहीं सुना है थ्री एक्स टू दी और फाइव, शायद मैंने नहीं लिखना भूल गया, आप बोले थे सेम है सब ठीक, वेरी गुड। मैंने बस ऑर्डर में लिख दिया इसीलिए है, एक्चुअली ये एक तार में एक तार में एक तार में एक, अच्छा ये जो है एक्चुअली पॉलीनोमियल है, यहाँ पे कितना टार में बोल सकते हो क्या, कितना टार में कितना टार में थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स टार में, अच्छा इसका डिग्री क्या है, फर्स्ट टर्म का डिग्री फाइव, सेकंड का फोर, थ्री फोर्थ का टू, फिफ्थ का वन और सिक्स का डिग्री सर जीरो 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 ना, क्योंकि एक्स टू दी पावर जीरो वन होता है, अरे एक्स टू दी पावर जीरो तो डिग्री जीरो, ठीक है ना, डिग्री तो पता ही है। चलो दो नंबर प्रॉब्लम बताओ, नंबर प्रॉब्लम बताओ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसे करना है, सेम प्रोसीड्योर सेम प्रोसीड्योर, हाँ थोड़ा सा लेंदी लगे बस और कुछ नहीं। सर सेकंड सर मेरा आंसर है 2x टू द पावर 5 प्लस 12x टू द पावर 4 माइनस 18x क्यूब माइनस 20। नहीं कौन बच्चा, नहीं नहीं मैं बोल रहा हूँ कि कौन कौन किसका क्वेश्चन है, कौन क्वेश्चन है बच्चा, सी सर सेकंड वाला हो गया है मेरा, सेकंड वाला हो गया सेकंड। अच्छा सेकंड वाला का आंसर 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 बताइए क्या आंसर आया
सर आंसर है 2x to the power आंसर है 2x to the power 5 प्लस 12x to the power 4 प्लस 10x2 ना 2x to the power 5 सर प्लस 12x to the power 4 आपका फोन काट काट के आ रहा है बच्चा सर मैं बोलूं हाँ हाँ बोलो सर 2x to the power 5 प्लस 10x to the power 3 सुनाई नहीं दे रहा है सर चैट में लिखती नहीं नहीं चैट में नहीं है एक कोई बोलो आवाज से सर 2x to the power 5 प्लस 12x to the power 4 माइनस 18x to the power 3 सर माइनस 18x to the power 3 अच्छा माइनस 29x2 प्लस 9x2 सर नहीं माइनस 29x2 माइनस माइनस 2x 2x ठीक कर लेते हैं जल्दी जल्दी चेक कर लेते हैं चलो एक क्वेश्चन कॉपी हो गया ना बात सेम है सेम प्रोसीड्यूर है सेम है अच्छा इसको हम क्लीन कर दे हो गया ना कॉपी हो गया आप लोग को जिसका इसका नहीं हुआ है कंप्लीट है अच्छा ठीक है चलो बच्चों जल्दी जल्दी तो क्या है 2x³ - 4x - 5 डायरेक्ट लिख देते हैं चलो अच्छा ठीक है ऐसे कॉपी करना चाहिए क्या है सेम थिंग 2x³ + 6x - 7 x² + 6x - 7 -5 × x² ओहो 6x - 7 ओके तो अल्टीमेट क्या होगा फिर एक एक करके हम लोग मल्टीप्लाई के साथ 2 × x⁵ प्लस 2 × 6 मतलब 12x⁴ तो माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 × 7 मतलब 14x³ चलो 4 तो माइनस 4 × x³ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 6 × 4 = 24 माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 7 × 4 = 28x माइनस प्लस माइनस 5x² माइनस प्लस माइनस 30x माइनस प्लस 35 तो हम लोग चेक करेंगे क्या करेंगे पहले x⁵ बड़ा है तो और कहीं पे भी 2x⁵ इसके बाद क्या है 4 यहीं पे है तो लिखना पड़ेगा प्लस 12x⁴ अभी क्यूब क्यूब क्या है यहाँ पे है क्यूब यहाँ पे है क्यूब फिर और कहीं पे भी नहीं है सो 14 माइनस मतलब माइनस क्यूब और क्या है x² कहाँ पे है दिस वन x² यहाँ पे है तो ऑब्वियसली माइनस 29x² कंप्लीट फिर x 28 आर माइनस 30x तो अल्टीमेट क्या प्लस 35 वेरी गुड सही आंसर है प्लस माइनस आप लोग एक्जेक्टली करेक्ट आंसर ठीक है ना बच्चा लोग वेरी गुड तीन नंबर प्रॉब्लम डन ना यस सर सर थर्ड डन चलो तीन नंबर प्रॉब्लम बनाते हैं थोड़ा सा एक्चुअली क्या होगा दोनों टाइप होगा एक एक करके हम लोग बनाएंगे ना वो एक्चुअली क्या है ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज से हम लोग बनाएंगे ओके एक एक करके हम लोग बनाएंगे चलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज तो अल्टीमेट हम लोग एक काम कर सकते हैं क्या काम कर सकते हैं एक ठीक है ना अभी मैंने मैंने स्क्वायर ब्रैकेट दिया है ओके
हम लोग एक काम करके ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करें, क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको रहने दीजिए, इसके बाद ये दोनों को मल्टीप्लाई, ये दोनों को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम थिंग, 2x into x plus 3 minus 1 into x plus 3. लिखने का स्टाइल ऐसे होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, फिर क्या होगा, जैसा है x माइनस x प्लस 1 वो रहने दीजिए, ठीक है ना, उसको चाहिए, जब तक नहीं रहेगा मुश्किल है, ठीक है, वो चुपचाप रहेंगे, इसका अभी काम नहीं है, इसको हम लोग बाद में यूज करेंगे, ओके, 11th प्लेयर है तो इसको कोई इंजर्ड हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा तो इसको हम लोग मैदान में उतारेंगे, तो क्या होगा, 2 इंटू 2x के साथ क्या होगा, 2x स्क्वायर, 2x इंटू 3 मतलब क्या हो जाएगा, 6x, फिर माइनस माइनस x माइनस 3, इसके बाद क्या है, फिर जैसा है ऐसे रहने दीजिए, x प्लस 1, फिर ये क्या आ गया, चलो 2x स्क्वायर, यहाँ पे 6x और x क्या आ जाएगा, प्लस 5x माइनस, यहाँ पे तीन टर्म का, थ्री पॉलीनोमियल का, थ्री टर्म नहीं है सॉरी, पॉलीनोमियल का मल्टीपल क्या है, मल्टीपल के में हम लोग एक मल्टीपल छोड़ के दोनों पॉलीनोमियल को हम लोग मल्टीपल किया है, मल्टीपल करने के बाद इसके बाद वो क्या हो गया, देखो फिर से दोनों आ गया, फिर से हम लोग करेंगे सेम प्रोसीड्योर, अभी तो एक प्लस वन को हम लोग क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, क्या होगा, सेम फंडा है, यहाँ पे तीन था पॉलीनोमियल, सेम थिंग, x इंटू टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 प्लस 1 इंटू प्लस 5x माइनस 3, तो कैलकुलेशन में क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस 5 माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, 2x क्यूब, फिर क्या है यहाँ 5x स्क्वायर दोनों लाइक टर्म है तो आ जाएगा प्लस 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x क्या हो जाएगा, प्लस 2x और क्या हो जाएगा, 3, देखो तो यही आंसर था कि नहीं, आप लोगों को यही आंसर आया था ना, यस सर, ठीक है ना, बस यही बात है, ठीक है ना, यही बात है बच्चा, हम लोग इस तरह का प्रॉब्लम को जो भी है हम लोग इसी हिसाब से डील कर सकते हैं, क्या मजा लग रहा है आप लोग को, अच्छा लग रहा है प्रॉब्लम सर, ये तीनों प्रॉब्लम बहुत मजेदार था, देखो बच्चा हम कुछ दूसरा नहीं तो हम शुरू में जो मेथड हम लोग बनाया है सेम मेथड हम लोग दे रहा है ना, इसलिए बोल रहा हूँ जो नेक्स्ट क्लास में ना नहीं आज आज आपको एक काम करना पड़ेगा, वो क्या क्या है, सेकेंड थिंग, और डीएबी का एक स्टूडेंट है उसका नाम क्या बोले थे, उन्होंने अभी डीएबी का जो लिनियर वो चैप्टर का पीडीएफ करके भेजेंगे, और एक आरएस अग्रवाल का फुल चैप्टर लिनियर इक्वेशन भेजेंगे, ठीक ना, ठीक है, और एक बात है, मल्टीप्लिकेशन का होमवर्क हो जाएगा ना, आपका जो आरएस अग्रवाल बुक है और आपका जो डीएबी का बुक है, जिसका बुक है कंप्लीट हो जाएगा ना बच्चा, मल्टीप्लिकेशन, यस यस कोई इशू नहीं है ना, फिर भी डाउट होगा मैं बता देंगे, फिर भी डाउट होगा बच्चा हम बता देंगे, बट अरे अलजेब्रा में कुछ क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना, चलो वेरिफिकेशन के लिए हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, सिंप्लीफाई है, बहुत सारा है, हम लोग एक एक करके प्रॉब्लम करेंगे, तो डिवीजन तो नहीं हो पाया, चलो डिवीजन भी है, डिवीजन में ज्यादा ये नहीं है, ठीक है, बाद में करते हैं, ये कॉम्प्लीट हो गया, जल्दी जल्दी कॉपी करो, आप कुछ भी लिए, तीन पॉलीनोमियल चार पॉलीनोमियल को होगा तो होगा, प्रॉपर्टी है एसिडिटी प्रॉपर्टी से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और कुछ नहीं है, ठीक है, अच्छा
क्यों एलसीडी प्रॉपर्टी है, मैंने आप लोगों को खुद देखो एलसीडी प्रॉपर्टी यूज कैसे क्यों करते हैं। देखो आप माइंड में जो कैलकुलेशन करते हैं ना उसी का नाम है एलसीडी प्रॉपर्टी। 2 × 5 × 3 × 2 अच्छा करते हैं, अब कैसे मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 3 × 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या करते हैं, अच्छा 2 × 5 = 10। जब आप माइंड में कैलकुलेशन करते हैं थोड़ा सा सोचिए, मैंने जो 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 चीज हम लोग सीखते हैं उसी का अप्लाई बस थोड़ा सा डिफरेंट वे में, ठीक है ना, ठीक है ना। माल देखो जब आपका स्कूल का जो प्लेटफॉर्म में जब स्कूल का जो कुछ प्रोग्राम होता है वहां पे कोई एक्टिंग होता है, तो एक्टिंग के लिए कुछ स्टोरी का कुछ नोवेल का एक्टिंग जब होते हैं तो क्या करते हैं थोड़ा सा हम लोग वो एक्टिंग का मतलब जो कैरेक्टर है कैरेक्टर के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं उसी बना लेते हैं, ठीक है ना। जो ऑडियंस है आपका पेरेंट्स है समझ नहीं पाते कि किसका कौन, ठीक है ना, और इसका नाम क्या है, ठीक है, तो हम लोग हुलिया चेंज कर देते हैं थोड़ा सा कैरेक्टर में घुस जाते हैं। बात सेम है, क्या करते हैं हम लोग माइंड में मतलब ये भी सेम है एल्जेब्रा में सेम प्रोसेस है। जब हम लोग माइंड करते हैं 2 × 5 = 10, 10 × 3 = 30, 30 × 2 = 60 ऐसे करते हैं ना कैलकुलेशन को, हम लोग ऐसे करते हैं ना माइंड में, करते हैं कि नहीं। यस सर, यस सर, बस सेम है। अल्टीमेट क्या है ऐसे करते हैं, अच्छा 2 × 5 = 10 × 3 × 2। देखो माइंड में जिस तरह का कैलकुलेशन करते हैं उस तरह का लिखते हैं, आप एक्चुअली डायरेक्ट दे सकते हैं, फिर 10 × 3 चलो 30 × 2 फिर 30 × 60 ऐसे बनाते हैं ना। जो आप कैलकुलेशन आप तो खुद ही नहीं कर सकते कि हाँ 2 × 5 × 3 डायरेक्ट, ऐसे नहीं है 2 × 5 = 10, 10 × 3 = 30, 30 = 60। आप सेम प्रोसीड्यूर जो माइंड में हम लोग कैलकुलेशन करते हैं उसी स्टाइल में लिखा है कि नहीं, क्लियर है बच्चा? Yes, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, ये भी सेम है, ये ऑल्सो दिस इज सेम के जगह ये लिख दिया। अच्छा बच्चा हम x के जगह 1 लिखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, बात तो सेम है, ठीक है ना, इसी हिसाब से प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। चलो एक प्रॉब्लम वेरीफाई क्या करते हैं जल्दी जल्दी, स्टाइल में हम लोग लिखते हैं उसी स्टाइल में, ज्यादा टाइम भी नहीं है 10 मिनट है। अच्छा एक वेरीफाई का वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद नेक्स्ट दिन हम लोग डिविजन का प्रॉब्लम करेंगे। ओके क्या करेंगे वेरिफिकेशन का कुछ प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है वेरिफिकेशन का प्रॉब्लम करते हैं। चलो find the following product जल्दी दिखाना, find the following product and verify the result. Verify the result for x equal to minus 2. ओके हम एक क्वेश्चन देते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाओ, क्या है x square y square minus 2
इंटू वन माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर। बनाओ तो जल्दी जल्दी, वेरीफाई बहुत अच्छा है, इस तरह का प्रॉब्लम को मैंने वेरीफाई को वेरीफाई। हाँ बोलो सर, ब्रैकेट क्लोज है क्या वाई स्क्वायर के बाद? हाँ हाँ सॉरी 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 सॉरी, यस 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 करना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। एक्चुअली क्या है, पैरांथीसिस है ना, हाँ ब्रैकेट में पैरांथीसिस होता है, मतलब हाँ ब्रैकेट तो क्लोज करना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल है, गलत है। ठीक, अच्छा, वेरी गुड। जल्दी बनाओ बच्चा, जल्दी बनाओ। इसको हम क्लीन कर दें। बच्चा सब लोगों को आंसर देना है, पहले बनाओ इसके बाद हम बनाएंगे। वेरीफाई पहले प्रोडक्ट को आंसर करना पड़ेगा, इसके बाद वेरीफाई। कल जिस स्टाइल में हम लोग बनाया था उसी स्टाइल में, बट इसी तरह का प्रॉब्लम होगा बनाते उसी स्टाइल में आपको बनाना पड़ेगा। सब प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट आ गया, वेरीफाई करो, साइड एंड राइट एंड साइड से वेरीफाई करो जल्दी जल्दी। हो गया बच्चा लोग, देखो प्रॉब्लम को कैसे करते हैं, बनाते रहिए पढ़ते हैं। चलो प्रोडक्ट में क्या करेंगे, पहले एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू इंटू वन माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अच्छा कैलकुलेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू वन माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू इंटू वन माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। पहले इस तरह का डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, उसके बाद एक्स स्क्वायर इंटू वन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू इंटू टू, फिर इस टर्म के साथ इस टर्म हम लोग मल्टीप्लाई कर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर मतलब एक्स टू दी ओवर फोर और वाई वाई मतलब वाई टू दी ओवर। ओके माइनस टू वन मतलब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस टू इंटू टू फोर फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अच्छा अभी क्या करना, अच्छा अभी देखना पड़ेगा कि चलो अभी देखेंगे फोर, तो लिखो तो टू एक्स टू दी पावर फोर आर। चलो इसके बाद क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और फोर एक्स स्क्वायर ए लाइक टर्म है, तो हम लोग लिखेंगे क्या फाइव इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू, ए आ गया। इस प्रोडक्ट का रिजल्ट ए आया था कि नहीं? यस सर। वेरी गुड, हम थोड़ा सा अरेंज कर लिया, एक्चुअली यहाँ पे डिग्री है फोर है, यहाँ पे टू है, इसके बाद नहीं है, आप कर सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चा। आप बोल सकते हो कि मैंने यहाँ पे माइनस टू लिखेंगे फिर प्लस फाइव टू इंटू एक्स टू और फोर वाई टू और फोर लिखेंगे, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मैंने जैसा ऑर्डर में करना है ऐसे कोई बात नहीं है, आपको सेम ठीक ठाक टर्म होगा तो चले। कोई बोल सकते कि सर ए प्लस बी प्लस सी को हम बी प्लस ए प्लस सी लिखेंगे, रिजल्ट सेम है। कोई बोल सकते कि नहीं सर हम सी प्लस बी, मतलब इस तरह का प्रॉब्लम को ए प्लस बी प्लस सी को ऐसे भी लिख सकते हैं बी प्लस ए प्लस सी,
कोई बोल सकता है कि नहीं सी प्लस ए प्लस बी, जो मन चाहे लिखो कोई बात नहीं है, सबका रिजल्ट सेम है, ठीक है ना। एलजेब्रिक का रिजल्ट सेम है, टेंशन लेने का बात नहीं है कि सर इस तरह का बना रहे तो आम ऑर्डर में अरेंज नहीं किया है, नहीं सब ठीक ठाक है सर। वेरीफाई हो गया। वेरीफाई हो गया, वेरी गुड वेरी गुड, वेरीफाई हो गया ना। अच्छा चलो, के वेरीफाई मतलब ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जिसका साथ जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअली एलएचएस, और जो रिजल्ट है वो एक्चुअली राइट हैंड साइड। तो क्या करेंगे, एलएचएस इक्वल टू क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू इंटू वन माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो पुट एक्स इक्वल टू माइनस वन कॉमा वाई इक्वल टू टू, तो यहाँ पे पुट करो, एक्स इक्वल टू माइनस वन मतलब माइनस वन होल स्क्वायर मतलब क्या होता है टू स्क्वायर माइनस टू, कर्ली ब्रैकेट दीजिए, फिर वन माइनस टू इंटू माइनस वन होल स्क्वायर और कर्ली ब्रैकेट दीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा अभी ये क्या होगा, वन, वन स्क्वायर मतलब वन और टू स्क्वायर मतलब डायरेक्ट हम आंसर लिख रहे हैं फोर माइनस टू इंटू वन माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस एट, तो अल्टीमेट आंसर क्या होगा टू इंटू माइनस सेवन एंड फोर्टीन। चलो फिर आर एच एस से क्या लिखेंगे हम लोग, आर एच एस से माइनस टू इंटू एक्स टू दी और फोर वाई प्लस फाइव एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू, सेम थिंग पुट एक्स इक्वल टू माइनस वन वाई इक्वल टू, पुट माइनस टू इंटू माइनस वन होल टू दी ओवर फोर इंटू टू टू दी ओवर फोर प्लस फाइव इंटू माइनस वन होल स्क्वायर टू स्क्वायर माइनस टू, आंसर क्या हो जाएगा टू टू दी ओवर फोर, अल्टीमेट क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस वन होल टू दी ओवर फोर प्लस वन होगा, क्योंकि माइनस वन होल टू दी पावर इवन नंबर ऑलवेज प्लस होता है, माइनस वन होल टू दी और ऑड नंबर वो क्या होता है नेगेटिव होता है। आप लोगों को पता है कि माइनस वन होल टू दी पावर इवन नंबर होता है प्लस वन, और माइनस वन होल टू दी पावर ऑड नंबर क्या होता है माइनस वन, होता है कि नहीं? यस सर, यस होता है ना ये वाला, वेरी गुड। तो अल्टीमेट क्या लिखेंगे टू टू दी पावर फोर क्या है टू इंटू टू फोर, फोर इंटू टू थ्री एट टू सिक्सटीन, सिक्सटीन इंटू टू थर्टी टू माइनस थर्टी टू प्लस टू इंटू टू क्या होगा फोर इंटू टू क्या हो जाएगा ट्वेंटी माइनस टू, तो ट्वेंटी ये क्या होगा माइनस थर्टी फोर प्लस क्या हो जाएगा माइनस फोर्टीन। देखो तो दोनों आ रहा है कि नहीं, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आर एच एस प्रूफ, क्लियर है? यस सर, यस सर। कॉपी कर लो, आज हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे, ओके यहाँ पे स्टॉप करेंगे, सब लोग कॉपी कर लो, होमवर्क कर लीजिए, जो जो बोला भेज दीजिए मुझे, और पूरा मल्टीप्लिकेशन का कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट दिन हम लोग डिविजन करेंगे, उसका सिंप्लीफाई भी है कर देंगे, ठीक है। टाटा बच्चा।